Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ऑडिशन स्क्रिप्ट कहाँ रख दी मैंने? रश्मि, ये गहने ही तो। अम्मा, मुश्किल घड़ी में ही तो गहने काम आते हैं। इन्हें गिरवी रख के ठीक ठाक रकम मिल जाएगी। अम्मा, अरे वाह, ये ज्वेलरी किसने निकाली मम्मा? सो ब्यूटीफुल। कैसी लग रही मम्मा? ये तो आपकी शादी के गहने हैं ना? हाँ, पर मैं तो पहली बार देख रही हूँ। ये तो बैंक के लॉकर में थे ना? पर घर क्यों ले आई आप? बस यूं ही, बहुत समय से देखे नहीं थे ना, तो सोचा चेक कर लेती हूँ। लो, लॉकर में खराब थोड़ी ना होंगे। बहुत बढ़िया है माँ, स्पेशली ये हार। अरे आप तो कितनी खूब लगती होगी इसमें ना, है ना नानू? खूब तो तू इसमें लगेगी, तेरी शादी के लिए बचा के रखे हैं मैंने। लो, मतलब मैंने शादी नहीं की तो ये हार नहीं मिलेगा मुझे? ये क्या बात हुई? अरे हाँ, कॉलेज प्ले में मैं द्रौपदी का रोल कर रही हूँ, ये हार परफेक्ट रहेगा। ये मैं ले सकती हूँ ना मम्मा? तू इतने प्यार से पूछेगी तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? अब बेस्ट हो। लेकिन फंक्शन के समय लेके जाना, ठीक है? और संभाल के रखना। ओके मम्मा, थैंक यू। अरे, मेरी जो प्ले की स्क्रिप्ट है मैंने टेबल पे रखी थी, कहाँ पर है वो अभी? स्क्रिप्ट फोन के पास ही होगी। अच्छा ठीक है। रश्मि, वो बैंक के कागज उठा लिए कि नहीं? अरे अम्मा, ध्यान उतर गया उससे, काजल के हाथ ना पड़ जाए वो। इतने सारे पेपर्स, बेकरी के बिल्स होंगे। और फिर से हाय स्नेहा। इस टाइम पे कौन सोता है? अच्छा सुन, तूने सोशियोलॉजी का असाइनमेंट किया क्या? असाइनमेंट? अच्छा हुआ तूने बता दिया, मैं तो भूल ही गई थी यार। मतलब कल फिर से कॉलेज बंक करने वाली है? नो वे, अब तो रोज ही जाना है। प्ले में द्रौपदी जो बनना है, प्ले करने आएगी या फिर उस हैंडसम के लिए? नहीं यार, मुझे रोज ना कुछ नया नया ट्राई करने का मन करता है, बड़ा मजा आता है। अच्छा वैसे वो NSD से है ना? तुझे कैसे पता? ऑनलाइन जासूसी की है उसकी। आई नो एवरीथिंग, तू ना अंशुपन पे पूरी तरह फिदा है। वैसे एक बात बताऊं, कल जितनी भी लड़कियां द्रौपदी बनने का सपना देख रही है ना, उन सबके दिल टूटने वाले हैं, क्योंकि इस अर्जुन की द्रौपदी तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। ये स्वीटी भूखी होगी बेचारी। स्वीटी कहाँ है?
स्वीटी 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 ए स्वीटी कैसी है बीबी? कैसी हो काजल बेटा? अरे नमस्ते अंकल, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, और घर पर सब ठीक ठाक? एकदम ठीक। चलो बाय। बाय। देखिए मैडम, मुझे मालूम पड़ गया कि आप ही काजल मैडम हो। डॉक्टर साहब ने मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला है आपको। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि किसी भी दिन आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्या? हाँ। बकवास मत करो। ऐसे ही लोगों को डरा के पैसे कमाने का अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया ना हॉस्पिटल वालों ने। देखिए मैडम, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच में। डॉक्टर साहब, इतनी सी चोट की बैंडेज का बिल नहीं भरा मैंने, तो आप मेरा पीछा करने लग गए? कल आके पैसे भर दूंगे। देखिए मैडम, डॉक्टर साहब पहले से ही बहुत भड़के हुए हैं, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। कहाँ ना, कल आके पैसे भर दूंगी। मैडम प्लीज, आप अभी जा रहे हो या मैं चिल्ला दूंगी? अच्छा ठीक है। अजीब लोग है यार। स्वीटी चलो बाय। स्वयंवर में सबकी दृष्टि हम पे टिकी हुई थी। फील ही नहीं आ रही यार। स्वयंवर में सबकी दृष्टि हम पे टिकी हुई थी और हम तो केवल आपको निहार रहे थे सव्यसाची। अपने यत्न प्रयत्न से आपने हमें जीत लिया। You're right, Senorita. बड़े बड़े कॉलेजेस के छोटे छोटे प्लेस अक्सर दो प्यार करने वालों को करीब ले आते हैं। दुनिया की कोई भी दीवार उन दोनों को जुदा नहीं कर सकती। देखो अपने आसपास कोई नहीं है यहाँ सिवाय हम दोनों के, Senorita. द्रौपदी तुम्हारा सखा, जब जब तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तब तब कृष्ण तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। ये नादान ना समझ, ये तुम्हारे लायक नहीं है द्रौपदी, किंतु है तो हमारा शिष्य है। आओ अर्जुन। द्रौपदी से अभी तक तुम्हारा विवाह हुआ नहीं है अर्जुन, इसलिए उनके ज्यादा निकट जाने की भूल मत करना। जैसा आप कहें देवकी नंदन, पर आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। क्या आप उनकी मदद करने के लिए नहीं जाएंगे? यस यस करेक्ट, उनके पास भी जाएंगे। और रोचक आया बाबा। इधर
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।